all deposits made any during the month and all checks paid during the month. ठीक है, अदर मिसलेनियस डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मेड बाय द बैंक. अब कम बैंक जो है ड्यूरिंग द मंथ कुछ बैंक खुद डेबिट्स क्रेडिट्स भी कर रहा होता है, मिसाल तौर पर कुछ सर्विस चार्जेस कुछ चार्ज किया तो बैंक ने तो वो डेबिट कर दिया, कुछ इंटरेस्ट इनकम दे दिया तो वो क्रेडिट कर दिया. ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ एंड रिमेनिंग. और फिर कैश का एंडिंग बैलेंस क्या है. ठीक है, कैश का एंडिंग बैलेंस राइट, ये पेज मैंने बताया कि ये मैंने इसका भी व्हाट्सएप भी किया था इस पेज को लास्ट क्लास में राइट, वो भी आप देख सकते हो. नॉर्मली कैश बैलेंस शोन बाय द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ डज नॉट कोइंसाइड विद द कंपनीज एंड ऑफ द मंथ बैलेंस. नॉर्मली क्या होता है कि ये बैलेंस जो है बैंक का और कंपनी का कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, यानी कि टैली नहीं कर रहा होता. समटाइम सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी हो सकता है. ठीक है, देयरफॉर टू विच बैंक रिकंसिलिएशन इज मेड. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट आपको बताया कि ऑन नेक्स्ट पेज. ठीक है, बैंक देखो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है. देखो बैंक रिकंसिलेशन इज ए शेड्यूल, ठीक है, कंप्लीट शेड्यूल है एक्सप्लेनिंग एनी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शोन इन द डेट डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड है. डिपॉजिटर्स मीन्स कंपनी का जो रिकॉर्ड है, कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट मेड बाई द अकाउंटेंट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स. ठीक है, ये कौन बनाता है, ये कंपनी का अकाउंटेंट, दैट इज बाय द कंपनीज अकाउंटेंट. ये भी पेज नंबर 2596 पे हमने जो है आपको व्हाट्सएप भी किया था लास्ट क्लास में राइट. अब ये देखिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है आउट्स, ये जो रीजंस हैं, अगर इनको समझ लिया तो फिर कोई इशू नहीं. ठीक है, नॉर्मल डिफरेंसेज कॉजेज ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन बैंक रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. कंपनी के रिकॉर्ड्स में और बैंक के रिकॉर्ड जो नॉर्मल डिफरेंस जो टैली नहीं हो रहा ना बैलेंस समझो, वो ये रीजंस है, दीज आर द रीजंस कि जिसकी वजह से बैलेंसेस नॉर्मली आउट होता है राइट. देखो नंबर वन क्या है, आउटस्टैंडिंग चेक्स राइट, चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी बट नॉट येट प्रेजेंटेड. इसका मतलब क्वेश्चन में आपको देखेंगे कि जहाँ पर नॉट प्रेजेंटेड इन टू द बैंक, कंपनी ने चेक इशू कर दिया. देखो गौर से सुनो इसको, कंपनी इशूड द चेक राइट बट नॉट ड्यूरिंग द मंथ बट नॉट प्रेजेंटेड बाय द पर्सन टू द बैंक. जैसे कंपनी ने चेक इशू किया कोई सप्लायर्स को राइट, ए बी सी कंपनी एक सप्लायर था या मोहम्मद जावेद एक सप्लायर, चेक दे दिया उसको. ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ. अब वो चेक हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ द मंथ हो. ठीक, अब चेक इशू किया जब तो कंपनी ने अपने अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया राइट, कंपनी अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. जैसे यूबीएल के चेक दिया उसने, यूबीएल में जाके वो प्रेजेंट करेगा, पैसा विथड्रॉ करेगा, कंपनी यूबीएल के अकाउंट को रिड्यूस कर देगा यानी कि क्रेडिट कर देगा कंपनी का अकाउंटेंट, क्योंकि भाई ये 50,000 का चेक दिया. अब जिसको चेक दिया है ही डिड नॉट गो ड्यूरिंग द मंथ, है 5 दिन रह गए थे वो कंपनी अकाउंट बैंक नहीं गया, ही डिड नॉट विजिट द बैंक टू विड्रॉ द कैश राइट. तो अब क्या हुआ मंथ एंड में, इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि वो चेक आउटस्टैंडिंग रह गया, बैंक ने तो पोस्ट नहीं किया, यानी बैंक तो उसको क्रेडिट डेबिट करेगा, बैंक डेबिट करेगा जब पैसा देगा. अब बैंक में गया ही नहीं तो बैंक ने नहीं डेबिट किया, लेकिन हमने इधर क्रेडिट कर दिया, कंपनी ने क्रेडिट कर दिया यानी कि रिड्यूस कर दिया. बैंक ने डेबिट करना था यानी कि रिड्यूस करना था, वो नहीं किया. क्या होगा इसकी, इस आउटस्टैंडिंग चेक्स की वजह से बैलेंस टाई अप नहीं होगा, है कंपनी का बैलेंस रिड्यूस हो चुका होगा लेकिन बैंक में जो यूबीएल बैंक है वो शो कर रहा होगा हायर अमाउंट राइट. तो क्या देखो अब इसको कैसे टैली करते हुए जब हम क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग चेक्स है ना जिसको कहें नॉट प्रेजेंटेड भी लिखा होगा, एक्शन टू बी टेकन बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड, क्योंकि बिकॉज कंपनी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड ऑलरेडी क्रेडिटेड, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड बाई डेबिटिंग, डेबिट करेगा बैंक, डेबिट करेगा यानी कि रिड्यूस करेगा
बाय डाउट्स, यानी ये बना कौन रहा है, ये कंपनी का अकाउंटेंट बना रहा है, ठीक है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बैंक में नहीं कि डेबिट हो रहा है, बैंक के रिकॉर्ड को तो हम नहीं सही कर सकते ना, हम बैंक के रिकॉर्ड को खुद से सही कर रहे हैं अपनी, ताकि हम रिकनसाइल कर लें, रीजंस पता लग जाए। तो एक्शन टू बी टेकन, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग डिडक्टिंग बाय द आउटस्टैंडिंग चेक्स, चाहे 2 चेक हों या 10 चेक हों, ये सारे डिडक्ट करने पड़ेंगे आउटस्टैंडिंग चेक्स, राइट। तो ये आई होप कि अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब। और सेकंड नॉर्मल डिफरेंस है डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, है डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, देखो कैश रिसीट्स रिकॉर्डेड एंड डेबिटेड बाय द डिपॉजिटर, मतलब है कि कंपनी के पास कैश आया, उसने डेबिट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर बैंक में, जैसे UBL में डिपॉजिट बट द और उसको भेज दिया, ठीक है, बैंक में जाके जमा करा दो, ठीक है, बट द रीच द बैंक टू लेट है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, टू बी एडिट इन द यानी क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट मंथ, ठीक है, सपोज वो मंथ था लास्ट डे ऑफ द मंथ था, चेक भेज दिया या कैश भेज दिया और हमने अपने अकाउंट में UBL के बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन और मार्च का महीना चल रहा था, राइट, बट ड्यूरिंग द मंथ कंपनी के जो मैसेंजर है वो रीच लेट, ही डिलीवर्ड द पेपर, ही डिलीवर्ड द चेक बट टू लेट, उस बैंक ने स्टैम्प लगाई और दे दिया, लेकिन वो मार्च नेक्स्ट मंथ अप्रैल आ गया, अब वो अप्रैल में लेगा बैंक उसको रिसिट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसका मतलब हमने क्या करना होगा, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड क्रेडिटेड बाय द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, हम मार्च की जो टैली कर रहे हैं हम बैंक के बैलेंस को करेक्ट करेंगे अपने पास और उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे इस आउट डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट से, ठीक है, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट जो होगा वो भी बैंक के बैलेंस को करेक्ट किया जाएगा, ऐड कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, एक्शन टू बी टेकन, तो आपको एक्शन भी बता रहे हैं साथ साथ, राइट। अब थर्ड पे आ जाइए, NSF चेक, ठीक है, ये डिसऑनर्ड चेक भी कह सकते हैं इसको, है NSF या डिसऑनर्ड, राइट, चेक को डिसऑनर कर दिया, इसका मतलब वही NSF है, एक किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने उसको अपने अकाउंट में UBL के अकाउंट में HBL के अकाउंट में डेबिट कर दिया, राइट, कि हमने ये जमा करा दिया, लेकिन जब आपके पास स्टेटमेंट आई तो पता लगा ये चेक जो है 3, 4, 5, 6 चेक जो है वो नॉट सफिशिएंट फंड, डिसऑनर्ड कर दिया, उसमें पैसा ही नहीं था बैंक में, उनके चेक तो दे दिया उसने है, लेकिन उसके बैंक में पैसा ही नहीं था सफिशिएंट, राइट, तो कंपनी ने बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया और हमने उसको डेबिट किया हुआ अपने, बढ़ाया हुआ अपने, जब हमें चेक वो स्टेटमेंट मिली तो हमें पता लगा कि ये चेक तो डिसऑनर हो गया है, नॉट सफिशिएंट फंड या डिसऑनर, ठीक है, तो अब हम कंपनी ने बैंक ने तो सही किया हुआ है, अब हमने अपने रिकॉर्ड को सही करना, राइट, देखो व्हेन चेक्स फ्रॉम द कस्टमर्स आर डिपॉजिटेड द बैंक जनरली गिव्स द डिपॉजिटर इमीडिएट क्रेडिट सम टाइम वन, चाहे उसको इमीडिएट क्रेडिट दिया हो या नहीं हो, सम टाइम वन ऑफ दीज चेक्स मे बी फाउंड अनकलेक्टेबल लेटर ऑफ इन डिसऑनर हो गया बिकॉज कस्टमर हु रोड द चेक डिड नॉट हैव सफिशेंट फंड्स इन हिज हर अकाउंट, 50,000 का चेक था सपोज उसके अकाउंट में 45,000 है, तो वो तो डिसऑनर हो जाएगा ना, बैंक कैसे उसको उसमें से विड्रॉ करेगा, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, इन सच केसेस बैंक विल रिड्यूस द डिपॉजिटर्स अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ द अनकलेक्टेबल आइटम रिटर्न द चेक मार्क्ड एज NSF या डिसऑनर, एक्शन टू बी टेकन कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय क्रेडिटिंग यानी कि डेट डिडक्टिंग बाय द NSF चेक्स यानी कि या डिसऑनर चेक इनटू द कंपनीज बैलेंस, ठीक है, इसको कंपनी जो है वो अपने डिडक्ट कर देगी अपने अकाउंट से इस अमाउंट को, ठीक है, यानी कि रिड्यूस कर देगी यानी कि क्रेडिट कर देगी कंपनी NSF चेक से या डिसऑनर चेक, बार बार रिपीट कर रहा हूँ डिसऑनर चेक, ठीक है। सर्विस और अदर चार्जेस,
देखो सर्विस और अदर चार्जेस, ये क्या है? बैंक ऑफन डेबिट, देखो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंक रिकंसिलेशन आपके प्रिंसिपल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, ठीक है? बैंक ऑफन डेबिट्स द डिडक्ट द डिपॉजिटर अकाउंट बाय फीस फॉर हैंडलिंग स्मॉल अकाउंट ड्यूरिंग द मंथ, सर्विस चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस है, कोई भी बैंक डेबिट कर सकता है, स्मॉल अमाउंट होगा वो, कंपनी ने सर्विस कोई रेंडर किया, कोई सपोज चेक बुक इशू की कस्टमर को, तो स्मॉल अमाउंट डिडक्ट कर दिया, यानी कि कंपनी ने बैंक ने उसको डिडक्ट कर दिया, राइट? तो क्या देखें, डेबिट कर दिया, इसका मतलब है एक्शन टू बी टेकन, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डिडक्टिंग यानी क्रेडिटिंग सर्विस चार्जेस इनटू द कंपनीज बैलेंस। अब कंपनी के बैलेंस से जितने भी चार्जेस होंगे ऐसे स्मॉल किस्म के जो डेबिट नोट की शक्ल में आ रहा होगा, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि डेबिट कर, अब रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये सर्विस चार्जेस से, राइट? इंटरेस्ट अर्न, अब ये देखिए इंटरेस्ट अर्न ये क्या है, बैंक में हैव क्रेडिटेड द डिपॉजिटर्स अकाउंट बाय सम इंटरेस्ट इनकम, देखिए बैंक में हैव क्रेडिटेड द डिपॉजिटर्स अकाउंट बाय सम इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय देम ड्यूरिंग द मंथ ऑन सच डिपॉजिट्स बैलेंस। आपने बैलेंस डिपॉजिट किया हुआ है और बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट पे कर सकता है, इंटरेस्ट क्रेडिट कर सकता है, राइट? तो आपने जो भी बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो हम अपने अकाउंट में उसको बढ़ा देंगे यानी कि डेबिट कर देंगे, ठीक है? क्या होगा, देखो कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग एडिंग द इंटरेस्ट अर्न इनटू द कंपनीज बैलेंस ड्यूरिंग द मंथ, राइट? इससे हम बढ़ा देंगे इंटरेस्ट अर्न से, राइट? कुछ डिविडेंड अर्न भी हो सकता है, डिविडेंड इनकम। फिर देखिए डायरेक्ट डिपॉजिट्स मेड बाय द कस्टमर, समटाइम कस्टमर जो है आपका इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द चेक ही मे गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट्स द चेक इनटू योर अकाउंट, राइट? इन टू योर अकाउंट चेक और एनी मनी डायरेक्टली, राइट? देखो सम टाइम एनी कस्टमर मे हैव डिपॉजिटेड हिज ड्यूज, राइट, इन टू द कंपनीज बैंक अकाउंट। एक्शन टू बी टेकन, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाई डेबिटिंग एडिंग बाई द डायरेक्ट डिपॉजिट, ये डायरेक्ट डिपॉजिट है इन टू द कंपनीज बैलेंस, राइट? ये डायरेक्ट डिपॉजिट। और फिर एन एरर मेड, नंबर 7, एन एरर मेड आइदर बाय द बैंक और द कंपनीज कैश बुक है, ये दोनों एरर दोनों जगह हो सकते हैं, कंपनी का अकाउंटेंट भी गलती कर सकता है और बैंक का अकाउंट से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करेगा, राइट? तो इस गलती ने जिससे गलती हुई है उसका बैलेंस सही किया जाएगा, ठीक है? अब वो उस मिस्टेक का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, राइट? इंक्रीज भी हो सकता है अमाउंट, डिक्रीज भी हो सकता है। देखो एन एरर मेड आइदर बाय द बैंक और इन द कंपनीज बुक, यानी कि ये कंपनी का अकाउंटेंट होगा, एक्शन टू बी द रिस्पेक्टिव पार्टी विल करेक्ट इट बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सी द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन। ये पेज 296 पे है, गालबर ये मैंने आपको सेंड भी किया था पिक्चर इसकी, ठीक है? जो मैंने प्रिस्क्राइब की बुक वो 296 है उसका बैरल। अब जनरल ये देखो 7, इन सबको अगर आपने समझ लिया तो बैंक स्टेटमेंट आप बना लोगे, ठीक है? और बैंक स्टेटमेंट बनाने का एक मैं आज दूसरा तरीका भी बताऊंगा आप, है एक एक तो लास्ट था और आज एक और आसान तरीका बताएंगे, है? देखिए अब जनरल एंट्रीज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाई ओनली दोज आइटम्स, हम कौन सी जनरल एंट्री करेंगे जो हमारी बुक्स में एडजस्टमेंट हुआ है, उससे दो जनरल एंट्री होगी। देखो प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाय ओनली दोज आइटम्स फ्रॉम अबव व्हिच वर एडजस्टेड इन द कंपनीज कैश बैलेंस, है बैंक के बैलेंस के लिए तो हम जनरल एंट्री नहीं कर सकते ना ड्यूरिंग द प्रिपेरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन, राइट? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाय ओनली दोज आइटम्स फ्रॉम अबव व्हिच वर एडजस्टेड इन द कंपनीज कैश बैलेंस, जो डेबिट क्रेडिट हमने किया है, इंक्रीज और डिक्रीज किया है, तो दो एंट्री हम करेंगे
लेकिन कंपनी के अकाउंट में जो रिकंसिलेशन बनाते हुए कंपनी के बैलेंस को जो सही करने में हमने प्लस माइनस किया है उसकी एंट्री हम करेंगे, सिर्फ बैंक में जो किया है वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑल अबाउट बैंक रिकंसिलेशन था। तो अब वो क्वेश्चन निकालो जो मैंने आज सेंड किया है, राइट। क्वेश्चन जो मैंने आज सेंड किया है वो है, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए ये 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, है 18 क्वेश्चन, ये है 19 क्वेश्चन है। इसके बाद 20 हम करेंगे अपने दूसरे तरीके से, ठीक है। इसको भी आप इस देखें और आसान तरीका आपको आज बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 19, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आपके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, ठीक है, आज आज के दिन। देखिए क्वेश्चन 19 ये निकालिए अभी, कंप्रिहेंसिव। हाँ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 है, 21 देखो, कैश बैलेंस काफी सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह। ऑफ एलडी टेक्सटाइल कंपनी, एलडी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड फॉर मार्च 31st पर एज फॉलोस। देखो कैश बैलेंस लेजर में, अकाउंट ऑफ द कंपनी के लेजर में और मार्च की बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। ये डॉलर में अमाउंट है, राइट। देखिए कंपनी के अकाउंट में 6750 है और बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में 4710 है, ठीक है। तो ये इसको अब हम जाते हैं बनाने। देखिए बैंक आपको बताया था कि हम मार्क कर देंगे बनाने से पहले, ठीक है। ये जो मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ तो इसमें देखो मार्किंग कर देंगे। देखिए यहाँ से देखें, कैश रिसीव्ड इन बैंक एट बैंक अमाउंटेड टू 3820 टू लेट एट लेट आवर्स, देयरफॉर इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन मार्च 31st डेट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पैसा जो है रिसीव बैंक में लेट पहुँचा और 31 मार्च की डेट थी, देयरफॉर इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन द मार्च स्टेटमेंट, राइट। तो ये बताइए किसमें ये एडजस्टमेंट होगा, है मिस्टर इजा जहीर, आप बताइए इसका एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा। मिस्टर इजा जहीर आवाज सुन रहे हैं मेरी, मिस्टर ईजा जहीर खान, फैसल आप बताइए इसका एडजस्टमेंट कहां पर होगा। फर्स्ट वाले का कैश रिसीव्ड ऑन मार्च 31st एट बैंक अमाउंटेड टू 3850 डॉलर्स एट लेट आवर्स, देयरफॉर इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक, इसमें एडजस्टमेंट आएगा ये। मोहम्मद मिसबा नौरीन आप बताइए, मिसबा नौरीन आवाज सुन रही है, जी सुन रही हूँ। हाँ बोले, कौन बताएगा भाई ये इसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा? सर बैंक में होगा इसका एडजस्टमेंट, बैंक में ये एडजस्टमेंट होगा, ये नहीं कि ये सर लेट आवर में हुआ है, हमने तो अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया था लेट आवर में, इसलिए बैंक में जाएगी एडजस्टमेंट।
ये समझो ये वो हो गया ना कि जो फर्स्ट वाला है डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट हो गया ना, ये इसका मतलब ये प्लस बी हो गया, ठीक है, सही है। जी सर, जी सर। तो और स्टूडेंट क्यों नहीं बोल क्यों नहीं रहे, देखें अब देखें सेकंड, देखिए आल्सो इंक्लूडेड विद द बैंक स्टेटमेंट वाज अ डेबिट मेमोरेंडम फ्रॉम द बैंक फॉर $15 रिप्रेजेंटिंग सर्विस चार्जेस, ये कहाँ एडजस्ट होगा, कंपनी में है माइनस सी है, ठीक है कंपनी में हो गया है सर्विस चार्जेस है, राइट, तो कंपनी में हुआ माइनस सी, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आए देखो जल्दी से, ए क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट ए नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स रिसीवेबल फॉर $4,000 फ्रॉम राइट ब्रदर्स विद बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक एंड प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एलडी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ठीक है। एक क्रेडिट मेमोरेंडम है, क्रेडिट मेमोरेंडम जब या डेबिट मेमोरेंडम है ये समझ लो कि इसका एडजस्टमेंट कंपनी में ही होगा, ठीक है। क्रेडिट मेमोरेंडम होगा तो कंपनी में प्लस होगा, इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट विद इंडिकेटेड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स रिसीवेबल जो था फॉर $4,000 फ्रॉम राइट ब्रदर विद बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक एंड प्रोसीड्स, इसका मतलब ये जो राइट ब्रदर्स ने नोट्स रिसीवेबल उनसे कलेक्ट होना था वो उन्होंने जाके डिपॉजिट्स कर दिया अकाउंट में। देखो ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर कर रहा है, ये डायरेक्ट डिपॉजिट्स है बैंक में उन्होंने जमा करा दिया, ठीक है डायरेक्ट डिपॉजिट है ये, ठीक है। थर्ड वाला जो है एक क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट विद इंडिकेटिंग दैट ए नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स रिसीवेबल फॉर $4,000 फ्रॉम राइट ब्रदर्स विद बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक एंड प्रोसीड्स क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया टू द अकाउंट ऑफ एलडी टेक्सटाइल में, ठीक है। तो ये हमारा जो है हम अब कंपनी के अकाउंट में करेंगे लेकिन प्लस सी होगा, ये डायरेक्ट डिपॉजिट है प्लस सी, राइट, प्लस सी हो गया ये, कंपनी सी फॉर कंपनी है। कंपैरिजन नंबर फोर देखिए, कंपैरिजन विद द पेड चेक्स रिटर्न बाय द बैंक विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिवील्ड दैट चेक नंबर 810 फॉर 430 इशूड ऑन 20th इन पेमेंट ऑफ ऑफिस सप्लाईज हैड बीन इरोनियसली एंटर्ड इन एलडी टेक्सटाइल मिल्स 340। देखो 430 का चेक था ये, राइट, किसके लिए, ऑफिस सप्लाईज के लिए, और रिकॉर्ड कर दिया 340 से, कम से रिकॉर्ड हो गया ना ये, राइट, देखिए 430 का अमाउंट था, देखो लास्ट क्लास में था कि वो ज्यादा से रिकॉर्ड हो गया था, यहाँ पर कम से, 430 का चेक था और रिकॉर्ड हो गया 340 से, 340 का मतलब हुआ अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है 90, ठीक है ना, 430 में से अगर 340 निकाले तो 90 है? से कम चार्ज कर दिया, राइट। देखो कंपैरिजन ऑफ पेड चेक्स रिटर्न बाय द बैंक विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिवील्ड दैट, जब हमने चेक किया ना तो पता लगा रही है गलती हो गई हमसे, क्या अमाउंट था 430 का डेबिट तो जो पेमेंट दिखाई है 340 से, राइट, तो ये भी हमारा क्या होगा सी से, ये हमारा माइनस होगा, याद रखो है सी में से यानी कंपनी कार्ड से ये माइनस होगा और इसका जो डिफरेंस है उससे माइनस करेंगे, डिफरेंस वो 430 माइनस 340 कम से माइनस हुआ ना, तो ये 90, 90 से इसको हम 90 का डिफरेंस आ रहा गालबन, ठीक है, से इसको माइनस मजीद करेंगे, ठीक है, सही है, क्लियर हुई बात, फोर्थ क्लियर हो गया है, बोलो है, अच्छा रिपीट कर दे, नहीं आप बताइए कि क्या चीज क्लियर नहीं है इसमें, शाबाश। देखिए कंपैरिजन द पेड, जब पेड चेक्स बैंक ने भेजा ना कि ये चेक है,
तो इसने अपने चेक किया कंपनी के अकाउंटेंट ने, तो उसको पता लगा देखो कि एक चेक नंबर था 810, ये देखिए 810 चेक नंबर था 810 राइट, और ये जो है इसने इसको पोस्ट करते हुए 810 को 430 का था ये है पोस्ट, यानी कि किस चीज के लिए था ये, ऑफिस सप्लाईज, यानी कि उसने एंट्री क्या कर दी होगी कि ऑफिस सप्लाईज डेबिट बाई 430 के बजाय 340, और क्रेडिट कैश, क्रेडिट यानी कैश वही बैंक को क्रेडिट किया कितने से 430 के बजाय 340 से, तो कम से कर दिया ना, तो अब हमें मजीद जो डिफरेंस है वो फिर क्रेडिट करना पड़ेगा है, तो माइनस इसका जो डिफरेंस है वो 90 आ रहा है, तो ये 90 से हम माइनस सी में, सी के अंदर हम माइनस कर देंगे। अब क्लियर हुई बात? ठीक है, नंबर फाइव देखो, एग्जामिनेशन ऑफ पेड चेक्स आल्सो रिवील्ड दैट थ्री चेक्स, अब ये भी रिवील्ड हो रहा है पेड चेक्स में से, ये जो चेक उसने भेजे हैड नॉट बीन पेड, बैंक ने पे नहीं किया। ठीक है, तीन चेक ऐसे निकले हैं, डजंस के हिसाब से हो सकता है 50-60 चेक हो, लेकिन उसमें से तीन चेक ऐसे निकले कि कंपनी ने तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन अभी ये आउटस्टैंडिंग चेक है बैंक के पास, जिसको दिया गया वो प्रेजेंट ही नहीं किया उसने, यानी कि जिसको हम अनप्रेजेंटेड चेक भी कह सकते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पेड चेक्स रिवील्ड दैट थ्री चेक्स आर इशूड इन हैड नॉट बीन पेड बाय द बैंक। ठीक है, चेक नंबर अमाउंट, चेक नंबर अमाउंट, इसका मतलब कि दीज ऑल विल बी बैंक, कंपनी ने तो क्रेडिट कर दिया, कंपनी ने तो क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, माइनस नहीं किया। ठीक है, तो ये बैंक में से माइनस होगा, माइनस भी होगा ये। ठीक है, कंपनी ने तो कर दिया, अब असल चीज़ है कि बैंक ने नहीं किया क्योंकि बैंक के पास वो आए ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग चेक था, हम उसको रिकनसाइल कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको फिर एडजस्ट किया बैंक के बैलेंस को। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस बैंक में, हमने इसको माइनस भी कर दिया कि ये आउटस्टैंडिंग चेक्स होंगे वो बैंक में से माइनस होंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर सिक्स, आप लोगों सबको क्लास में 4 बजे क्लास होती है, आ जाना चाहिए 4 बजे। देखिए, सिक्स इंक्लूडेड इन द जनवरी, अभी क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्लूडेड विद द जनवरी बैंक स्टेटमेंट 2900 चेक ड्रॉन बाई डेविड ए कस्टमर ऑफ LD टेक्सटाइल मिल्स, द चेक वॉज मार्क NSF। ठीक है, इसको डिसऑनर भी कहते हैं, NSF राइट। देखो, इंक्लूडेड विद द बैंक स्टेटमेंट 2900 चेक ड्रॉन बाई डेविड ए कस्टमर, कस्टमर तो चेक दे गई ना हमें, तो दिस चेक वॉज मार्क NSF, कंपनी ने ये चेक ला के दिया इसने। ठीक है, ये डेविड ने, तो डेविड ने जब चेक ला दिया, हमने उसको कहा कि बैंक में हमने UBL में सपोज जमा करा दिया, तो उसका बैलेंस हमने बढ़ा दिया। ठीक है, जब वो चेक को भेजा गया तो वहाँ से डिसऑनर हो गया वो, यानी कि डिसऑनर हो गया NSF चेक, तो अब कंपनी ने अपने रिकॉर्ड को सही करना है। ठीक है, वो जो बढ़ा दिया उसको वापस रिवर्स करनी पड़ेगी एंट्री, क्योंकि डिसऑनर हो गया ये। ठीक है, बैंक का तो बैलेंस सही है, डिसऑनर कर दिया तो बैंक ने तो उसको क्रेडिट किया ही नहीं, या क्रेडिट किया भी था तो फिर दोबारा डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, तो कंपनी का रिकॉर्ड सही किया जाएगा, यानी कि माइनस सी होगा ये। ठीक है, कंपनी के अकाउंट से ये डिसऑनर चेक या NSF चेक, ठीक है, इसे डिसऑनर कर दिया इसको। तो ये हमने देखा कि ये क्वेश्चन जो आपका 19 है, इसको हमने देखो मार्क कर लिया। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि ये आज मैं कैलकुलेटर दे, ठीक है, तो अब हम एक आज जो बना रहे हैं इसको, और अब एक और तरीके से आपको बना के देंगे। ठीक है, अभी तो सिमिलर ये क्वेश्चन हमने जैसे पहले किया था, लेकिन एक आसान तरीका भी आपको बताएंगे, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो देखो, इसको अब हम क्वेश्चन था 19, ठीक है, ये क्वेश्चन 19 का जो है ये मैं सोल्यूशन पे जाता हूँ क्वेश्चन 19 के, तो क्वेश्चन नंबर 19 और सॉल्यूशन,
फाइल शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है सर। ठीक है, देखो देखिए, कोई सामने रखो अपने, अभी मैं मार्किंग की है। ठीक है, तो हमने उठाया भाई सबसे पहले बैंक बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, आपने स्टार्ट लिया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, है हम रिकनसाइल करने जा रहे हैं ना, रिकनसिलेशन स्टेटमेंट इसीलिए कहते हैं। देखो 4710, ठीक है, बैंक का स्टेटमेंट बता रहा है 4710। ठीक है, हमने हमने जो अभी मार्क किया था, ठीक है, जो बैंक में प्लस करना है, राइट, जो डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट जिसको बताया था, नंबर वन वाला जो था, नंबर वन जिसको कहा था हमने डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, ठीक है, नंबर वन। ठीक है, तो वो अभी आपको आपके व्हाट्सएप पे भी है ये क्वेश्चन। तो देखिए, ये हमने इसमें प्लस हो गया 3850। ठीक है, नंबर वन वाला जो है 3850 आपका प्लस हो गया। ठीक है, और इत्तेफाक से बैंक में कोई प्लस नहीं हो रहा इसके अलावा। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने कह दिया सब टोटल। ठीक है, इसको हमने कह दिया सब टोटल। ठीक है, अब देखिए आउटस्टैंडिंग चेक आपको भी बताया नंबर फाइव में, नंबर फाइव में देखें आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो माइनस होंगे, चाहे जितने भी चेक होंगे एक साथ हम सबको माइनस करेंगे, है? तो आउटस्टैंडिंग चेक्स आपने लिया। ठीक है, देखिए एट वन फोर है ट्रांजेक्शन फाइव, देखो है $814,115, फिर $816,170 और $830,530 ये आउटस्टैंडिंग चेक्स है, तो बैंक के बैलेंस से कम किया जाएगा इसको, है? इसलिए ये लेस, यहाँ देखो यहाँ लिखा लेस और ये का टोटल किया और इसमें से लेस कर दिया। ठीक है, ये आपका यहाँ से 8567 से 60 से ये माइनस हुआ, तो एडजस्टेड कैश बैलेंस है, बस बैंक का बैलेंस आ गया एडजस्ट होके। ठीक है, आप देखिए अब इस पे आ गए बैलेंस एज पर कंपनीज रिकॉर्ड हो गया 6750। ठीक है, अब डायरेक्ट डिपॉजिट पहले ऐड वाले लिए, डायरेक्ट डिपॉजिट आपको बताया था नंबर थ्री जो है क्रेडिट मेमोरेंडम डायरेक्ट डिपॉजिट से, राइट, नोट्स रिसीवेबल का डायरेक्ट डिपॉजिट से $4,000 ये प्लस हो गया। ठीक है, और कोई प्लस नहीं हो रहा है इसलिए उसका सब टोटल ले लिया, है? समझ गए, क्लियर हुई बात? ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट है तो बैंक में कंपनी के रिकॉर्ड में प्लस कर दिया। अब देखो सर्विस चार्जेस लेस, देखो सर्विस चार्जेस और दूसरा जो है एक तो सर्विस चार्जेस था और इसके अलावा लेस हो रहा है कि देखिए वो जो ट्रांजैक्शन नंबर फोर है, देखो ट्रांजेक्शन नंबर फोर अभी मैंने कई दफा बताया 430 से क्रेडिट करना था, कर दिया 340 से, 340 से क्रेडिट कर दिया, तो ये डिफरेंस कम से क्रेडिट किया ना कंपनी ने, कम से क्रेडिट किया इसलिए अब ये माइनस होगा। देखो इनका डिफरेंस 90 आ रहा है, देखो यहाँ इसलिए लिख दिया, देखो नंबर चेक नंबर इतना फॉर ऑफिस सप्लाईज है, ये रिकॉर्डेड एज 340 जबकि था इतना, तो ये माइनस होगा 90 का डिफरेंस। ठीक है, उसके अलावा एनएसएफ चेक भी माइनस हो रहा, ठीक है, एनएसएफ चेक डिसऑनर्ड चेक जिसको कहते हैं, ठीक है, वो कंपनी ने नंबर सिक्स में देखें डिसऑनर हो गया 2900 चेक है, तो ये भी इसमें से माइनस हुआ। ठीक है, तो ये आपको ये सारा 1590 2900 इजिकल टू ये सब तीनों का सम जो है 1590 आ जाता है 3005, ये इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया
7745 और इससे चेक किया हमने बैंक एडजस्टेड बैलेंस और ये एडजस्टेड कैश बैलेंस एज अबव सेम आ गया है, देखो सेम आ गया, इसलिए हमने कहा हेंस रिकनसाइल। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात है, समझ गए? ठीक यस सर। है, अब देखो मैंने कहा था जनरल एंट्री इस सवाल में है, आपको कई दफा बताया जनरल एंट्री उसकी होगी जो कैश बुक में एडजस्टमेंट है, कंपनी के रिकॉर्ड में जो एडजस्टमेंट आया। देखो एक तो पहले हम देखेंगे प्लस क्या हो रहा है ऐड, यानी कि देखो एक ऐड हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट 4000। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट डिपॉजिट है कस्टमर से तो जाहिर है एंट्री क्या हुई होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, कस्टमर से जब पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे बताओ? कैश डेबिट सर, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट यही एंट्री होगी ना, तो यही हमने यहाँ एंट्री की हुई है। देखो कितने प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कैश डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट तो रिकॉर्ड डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम नोट्स रिसीवेबल बाय बैंक। ठीक है, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट हो गया। ठीक है, यानी कि ये बैंक में जमा प्लस कर दिया हमने। ठीक है, और दूसरा है अब जो जो एक्सपेंसेस जो हम पे हमने माइनस किया है वो क्या क्या है, देखिए एक तो सर्विस चार्जेस है $15 का, ये देखो $15 एक साथ करेंगे ना जितनी, और फिर है ये देखो 90 ऑफिस सप्लाईज हमारी है। देखो जब एंट्री हमने जब की थी तो दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों गलत हो गए थे ना, देखिए मतलब है कि जब चेक जो था वो फोर वाले ट्रांजेक्शन में 4:30 से हमने परचेज किया था ऑफिस सप्लाई और क्रेडिट कर दिया 3:40 से, है डेबिट, इसका मतलब डेबिट भी सर्विस चार्जेस को डेबिट कर दिया 3:40 से, तो अब सर्विस ऑफिस सप्लाईज को फिर 90 से डेबिट, ऑफिस सप्लाईज भी 90 से, और अकाउंट रिसीवेबल फिर 2900 जो है एनएसएफ हो गया, यानी कि रीइंस्टेट कर रहे हैं हैं अकाउंट, जब उसने पैसा दिया था हमने एंट्री मार दी थी कि भाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अब पता लगा वो बाउंस हो गया डिसऑनर हो गया, तो वापस हमने रीइंस्टेट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल को उसी अमाउंट से, और इन तीनों का सम जो है वो क्रेडिट हो गया कैश है, यानी कि बैंक क्रेडिट हो गया इन तीनों का सम, तो ये एक साथ आ गई एंट्री, ये हमने एंट्री कर दी। तो रिकॉर्ड बैंक सर्विस चार्जेस कॉमा करेक्ट द रिकॉर्ड रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ, ये था क्या रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ ऑफिस सप्लाईज एंड कस्टमर चेक्स बिकेम एनएसएफ डिसऑनर हो गया। ठीक है, ये इसमें एंट्री कर दी। ठीक है, जनरल एंट्री की भी, और ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, अगर सवाल अगर आपको या कोई एमसीक्यू की शक्ल में पूछ सकते हैं कि हम जो है बैलेंस शीट में कौन सा चेक शो करेंगे, ना बैंक का बैलेंस जो शो हो रहा है ना वो शो करेंगे, ना कैश बुक का बैलेंस, बल्कि एडजस्टेड कैश बैलेंस शो होगा, क्योंकि वो है करेक्ट ना। तो क्या है देखो थर्ड पार्ट में स्टेट अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, क्या होगा ये एडजस्टेड कैश बैलेंस दैट इज 7745 शुड बी शोन इन बैलेंस शीट ऑन मार्च 31। ठीक है, एडजस्टेड कैश बैलेंस शो होगा ना, बैंक का बैलेंस वो भी इनकरेक्ट है। ठीक है, और कंपनी का रिकॉर्ड जो बैलेंस है वो भी इनकरेक्ट है, एडजस्टेड बैलेंस है जो 7745 दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, समझ गए सवाल बिल्कुल? यस सर। ठीक है, अब देखिए अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ ना ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इजी तरीका आपको बता रहा हूँ है, ये जो है अभी जो मैंने बताया आपको, देखो ये रिपोर्ट फॉर्म में आपको है कंपनी में नॉर्मली ये जो हमारा कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह इस शक्ल में मांगते हैं इसको, लेकिन आप दूसरी शक्ल में भी बना सकते हो, आप देखोगे वो बहुत आसान है। ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है,
राइट। तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर निकालिए, क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 निकाले, आपको भी ये भेजा हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 20 तो मैं शेयर भी कर रहा हूं। थोड़ा शेयर, यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये पाकिस्तानी लैंग्वेज में है, तक थोड़ा सा, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ कुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 31, 2020 रिवील्ड द फॉलोइंग। क्या देखो, नंबर वन है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, यानी कैश बुक मतलब भाई कुल अहमद का जो रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि हमारे अकाउंट में है वो 61,800 है, यानी कि जो इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक है ना हमारा, जैसे कोई HBL बैंक है तो हम कह रहे हैं HBL बैंक में हमारा ये होना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है हमारा। और HBL जो कह रहा है बैंक स्टेटमेंट उसने भेजा है, वो कह रहा है नहीं भाई ये नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस है 56,650, ठीक है इस तारीख को। अब हम देख रहे हैं कि यार ये रीजंस क्या है, क्यों नहीं टैली कर रहा, तो ये देखिए ये अब यहाँ से शुरू हुए। नंबर थ्री देखे, चेक फॉर 36,000। अब हम यहाँ मार्क नहीं करेंगे, देखो आप डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए हर ट्रांजेक्शन वाइज हम एंट्री करते जाएंगे। देखिए चेक फॉर 36,000 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट येट क्लियर्ड बाई द बैंक। देखो यहाँ पर वर्ड देखो, वहां पर यानी कि नॉट क्लियर, देखिए ए चेक फॉर 36,000 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट येट क्लियर्ड बाई द बैंक, इससे क्या चीज जाहिर हो रही है बताओ, क्या नेचर है इस ट्रांजेक्शन की। क्या बोला, चेक फॉर 36 डिपॉजिट इन टू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट येट क्लियर है, इसका मतलब ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है ना, ये है डिपॉजिट इन ट्रांजिट है नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ है। अब ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है थर्ड वाला, थर्ड फोर्थ देखो, चेक फॉर 9,800 डिपॉजिट इन टू द बैंक एंड क्लियर्ड बाय द बैंक, देखो अब इसकी नेचर देखो, क्लियर्ड बाय द बैंक बट वॉज रिकॉर्डेड बाई द बैंक एज, अब ये बैंक की गलती है, 9,800 का चेक था, बैंक ने क्लियर कर दिया यानी क्रेडिट कर दिया, लेकिन इंस्टेड ऑफ 9,800 उसने क्लियर कर दिया 8,900 से इसको क्रेडिट कर दिया, कम से क्रेडिट कर दिया 9,000, देखो चेक था 8,900, ऐसी गलती हो जाती है, 9,800 तो 8,900 से क्रेडिट कर दिया बैंक के कैशियर ने जो भी अकाउंटेंट था, देखो चेक फॉर 9,800 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड क्लियर्ड बाय बैंक ने क्लियर किया बट वाज रिकॉर्डेड बाय द बैंक स्टेटमेंट 8,900, कम से हुआ ना डिपॉजिट, यानी कि क्रेडिट करना था 8,900 से क्रेडिट कर दिया 8,900 से कम से किया, तो अभी ये जो डिफरेंस है इस बैंक में बढ़ेगा मजीद, बैंक की गलती। फोर देखो, चेक फॉर 4,000 रिसीव फ्रॉम अकबर ब्रदर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, भाई ये NSF वाली केस है, देखो NSF वाला केस, चेक फॉर 4,000 रिसीव फ्रॉम द अकबर ब्रदर्स, अकबर ब्रदर्स से ये चेक मिला था यानी कि कोई कस्टमर ही है ना, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाई द बैंक, ने इसको डिसऑनर कर दिया, वही बात है NSF चेक डिसऑनर कर दिया, ठीक है, तो ये हमें अकाउंट को सही करेंगे इससे, सही है। और देखो मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, अभी देखो जब सवाल करेंगे तो आप देखोगे कैसे कर रहे हैं। नंबर सिक्स, चेक फॉर फॉर 35,000 इशू टू आफ्ताब स्पोर्ट्स, एक चेक था
हमने 35,000 का चेक इशू किया आफ्ताब स्पोर्ट्स को, हैज नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। क्या इसकी नेचर है, सिक्स की क्या नेचर है, बोलो। चेक फॉर 35,000 इशू टू आफ्ताब स्पोर्ट्स हैज नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। भाई ये आउटस्टैंडिंग चेक हो गया ना, ये है ना जी सर, है ना, आउटस्टैंडिंग हो गया ना। ये चेक बैंक से, फिर इसको कहाँ, इसका क्या इफेक्ट लिए, कहाँ पर इफेक्ट लिया जाएगा, बोलो। हाँ, बैंक में माइनस होगा, आपका बैंक के अकाउंट में से ये माइनस होगा आउटस्टैंडिंग चेक से। बैंक स्टेटमेंट ए डेबिट ऑफ इतना फॉर ज़कात, बैंक ने ज़कात डिडक्ट कर दी, तो जाहिर है हम अपने अकाउंट में से माइनस करेंगे। एंड क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट, दो चीजें आ रही है, बैंक स्टेटमेंट ए डेबिट ऑफ इतना फॉर ज़कात डिडक्शन एंड क्रेडिट ऑफ 2,100 फॉर इंटरेस्ट इनकम। एक ही ट्रांजेक्शन में दो चीजें दी हुई है कि साथ से जो है डेबिट भी हो रहा है बैंक ने किया और क्रेडिट भी किया, इनकम भी क्रेडिट कर दी उसने और ज़कात भी इसने डेबिट कर दी। ठीक है, तो हमें अपने अकाउंट में दोनों का इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक प्लस माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे। ठीक है, सेवन से राइट, बैंक ने तो किया हुआ है। नंबर एट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट है वेरी क्लियर, अपने अकाउंट में अपने प्लस कर लेंगे। ठीक है, बैंक सर्विस चार्जेस, अब ये सर्विस चार्जेस और आ रही है, इसको भी हम अपने अकाउंट को में से माइनस करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड किसी भी कंपनी से कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया, तो अब जाहिर है ये डिविडेंड हम अपने बढ़ाएंगे, हम अपने अकाउंट में इसको प्लस करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक राइट। और नंबर एट देखिए, इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस चार्जेस कंपनी बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, इट रिवील्ड इन बैंक स्टेटमेंट एट मंथ एंड। ठीक है, 65,000 का इंश्योरेंस चार्जेस बैंक ने पे कर दिया और ये रिवील हुआ जब बैंक स्टेटमेंट आया, तो हमने इसमें से माइनस करना अपने अकाउंट में से। और लास्ट है डेबिट मेमो फॉर 15,000, ये देखें वेरी इंटरेस्टिंग केस, डेबिट मेमो ऑफ 15,000 रुपीज अकंपनीड विद द बैंक स्टेटमेंट और लॉकर रेंट ऑफ अलकरम टेक्सटाइल मिल। देखो है ये कंपनी है गुल अहमद, कह रहा है कि अकंपनीड विद द बैंक फॉर द लॉकर रेंट ऑफ अलकरम टेक्सटाइल मिल, द बैंक हैड इरोनियसली चार्ज टू गुल अहमद, बैंक ने इरोनियसली मिस्टेकनली गुल अहमद को चार्ज कर दिया जबकि वो अलकरम था। ठीक है, इसका मतलब ये बैंक की गलती है, बैंक से माइनस कर दिया बैंक ने, तो दोबारा ऐड करेंगे उसको। ठीक है, प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट ऑफ गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड और समझे। तो अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20, किस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये देखिए। मैं शेयर करता हूँ, सॉल्यूशन शेयर हो रहा है, हैं? क्या कह रहे हो, देखो अब इसको देखो वही सवाल आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हैं? देखो आसान तरीका बता दिया आपको, देखो अब इसको गौर से समझो, जरूरी नहीं कि वो वाले तरीके से। देखो यहाँ लिखा गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, देखिए वो तो हेडिंग तो वही आ जाएगी, देखिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31st, ये देखिए ये क्या करेंगे, आपने कॉलम बना लिए, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स कैश बुक बैंक बुक, कैश बुक मतलब कंपनी बुक है, कैश बुक और बैंक बुक। ठीक है, समझ गए, दूसरा तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका,
देख रहे हो, देखो नंबर वन है यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर वन बैलेंस पर कैश बुक, ये देखो नंबर यहाँ देखो सीरियल में लग गया वन, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस कैश बुक के कॉलम में लिख दिया इस अमाउंट को, ठीक है ये देखिए 61,000, ठीक है बैलेंस एज पर सेकंड वाला देखो यहाँ सेकंड लिखा और इसको यहाँ लिख दिया इसी को अमाउंट को 56,650, ठीक है। अब सीरियल वाइज चल रहे हो, आपको कोई वहां पर निशान मारने की जरूरत नहीं। अब देखा थर्ड में क्या हो रहा है, जो जिसका है देखा थर्ड को देखो, चेक फॉर 36,000, अपने व्हाट्सएप पे देखो चेक फॉर 3 थर्ड वाला देखो चेक, सबने देख रहे हो व्हाट्सएप पे अपना, ठीक है देखो चेक फॉर 36,000 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट गेट क्लियर बाई द बैंक, चेक फॉर 36 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, ठीक है ये किस किस कॉलम में ये एडजस्ट होगा, कॉलम बैंक में या कैश बुक में, है बैंक में भाई, और ये सलमान इधर आप बताइए, मिस्टर सलमान आवाज सुन रहे हैं, सलमान सलमान देखिए तो यहां पर लिखा नंबर 3 एड, देखो यहां लिखोगे थर्ड वाला थर्ड है ना ये देखो एड, चेक फॉर 36 डिपॉजिटेड इन टू बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज नॉट गेट क्लियर बैंक, ठीक है इसका मतलब डिपॉजिट इन ट्रांजिट है ना ये थर्ड वाला, इसलिए देखो इस कॉलम में गए आपने, फॉरन कैश में देखो बुक में नहीं टच किया और इसमें इसको ऐड कर दिया और यहाँ लिखा हुआ है ऐड, ठीक है देखो ऐड डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक में 36,000 ऐड कर दिया बैंक में, ठीक है। अब देखो यानी कि अब देखो फोर्थ में देखिए चेक फॉर 9,800, देखो चेक फॉर 9,800 डिपॉजिट टू बैंक एंड क्लियर्ड बाय द बैंक बट वाज रिकॉर्डेड बाय द बैंक एट 8,900, बैंक ने इसको 8,900 रिकॉर्ड कर लिया राइट, बैंक ने इसको 8,000 एरर, देखो फोर्थ एरर इन बैंक, देखो बैंक ने देखो एक चेक फॉर 9,800 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड क्लियर्ड बाय द बैंक, डिपॉजिट किया जमा कराया ठीक है बट वाज रिकॉर्डेड बाय द बैंक 8,900, कम से बैंक ने क्रेडिट किया है, इसका जो डिफरेंस है 9,800 और इसने कर दिया 8,900, ठीक है तो ये ऐड होगा है बैंक में, ये ऐड होगा ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 900 है, बैंक ने कम से डेबिट क्रेडिट किया, कम से क्रेडिट किया, देखो क्लियर हो रहा बिल्कुल, चेक फॉर 9,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक है, बैंक तो क्रेडिट करेगा ना जमा कराया जमा, तो उसने 900 रुपीज से कम क्रेडिट किया, इसलिए इसको हम लिखा यहाँ देखो फोर्थ में एड एरर बाय बैंक 900, क्लियर ठीक है। देखो आसान तरीका बता रहे हो, उसी सीरियल में चल रहे हो, नंबर 5 लिया देखो नंबर 5 चेक फॉर 4,000 रिसीव फ्रॉम अकबर ब्रदर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड है, डिसऑनर्ड यानी कि ये हो गया एनएसएफ, ठीक है डिसऑनर्ड हो गया राइट, ये एनएसएफ चेक है, तभी तो एनएसएफ होगा तभी तो डिसऑनर होगा ना ये, ठीक है इसको देखो लेस, हमने इसको किसमें से माइनस करना बताओ है, क्या
कैश बुक से माइनस करेंगे ना, कंपनी डिसऑनर हो गया ना ये चेक, ठीक है, हमने जब जमा कराया तो यहाँ से ये माइनस होगा या माइनस करेंगे इसको, इसलिए हमने लिखा लेस और यहाँ पर माइनस में लिख दिया, ठीक है, इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया इसको लेस है। नंबर फाइव क्या, देखो उसी सीरियल वाइज चल रहा है, आसानी से ये हो जाएगा इस तरीके से, राइट, दिस लेस डिसऑनर चेक यानी एनएसएफ चेक नॉट सफिशियंट फंड, डिसऑनर कर दिया, ठीक है, ठीक है। नंबर सिक्स पे आओ, क्या नंबर सिक्स, चेक फॉर 35,000 इशूड टू आफ्ताब स्पोर्ट्स हैज नॉट येट हैज नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक बाय पेमेंट, बताओ, अन चेक फॉर 35,000 इशूड टू आफ्ताब आफ्ताब स्पोर्ट्स हैज नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट, कैश बुक में से माइनस करेंगे, माइनस होगा कैश बुक में से जी, कंपनी कैश में से, कंपनी के कैश बुक से माइनस होगा। फिर पढ़ो इसको, चेक फॉर 35 इशू टू आफ्ताब स्पोर्ट्स हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द, देखो इसमें कोई गलती थोड़ी है, अनप्रेजेंट है ना ये, बैंक सर, सॉरी बैंक, अनप्रेजेंट है, प्रेजेंटेड है यानी कि ये आउटस्टैंडिंग चेक है ना, फिर ये कंपनी के अकाउंट को क्यों सही करेंगे, कंपनी का अकाउंट तो सही है, ठीक है, बैंक के अकाउंट से ये माइनस किया जाएगा कि उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो अब हम ऐसे रिकनसाइल कर रहे हैं, हमने तो माइनस कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो इसलिए हमने कहा लेस अनप्रेजेंटेड यानी कि आउटस्टैंडिंग चेक है, इसलिए हमेशा आपको कई दफा बता चुका हूँ बैंक से ये माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग चेक है, मैंने फिर यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दिया अनप्रेजेंटेड यानी कि आउटस्टैंडिंग चेक है, ठीक है, ये आप बैंक से माइनस हो गया, ठीक है। आगे चले सेवंथ पे आ जाओ, सेवंथ बैंक स्टेटमेंट ए डेबिट ऑफ, सेवंथ में देखो दो ट्रांजेक्शन आ रहे, बैंक स्टेटमेंट ए डेबिट ऑफ फॉर जकात और ए क्रेडिट ऑफ 2,100 इंटरेस्ट इनकम, सेवन देखो इसलिए यहाँ पर देखो लिख रहे हैं सेवन एज सेवन, देखो सेवन दो दफा रिपीट हो रहा है, एक तो लेस किया, ज़कात से हमने अपने अकाउंट को माइनस कर दिया, ठीक है, तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, देखो ज़कात बैंक स्टेटमेंट ए डेबिट ऑफ फॉर ज़कात डिडक्शन, इससे तो हमने आपके अपने अकाउंट को माइनस किया, ठीक है, और दूसरा से इंटरेस्ट इनकम से देखो यह ऐड किया, वही सेवन है सेवन, ये ऐड कर दिया 3,100, ठीक है, क्रेडिट ऑफ इतना इंटरेस्ट इनकम, क्लियर, सेवंथ क्लियर हो गया, यस सर। अब एट पे आओ, बैंक सर्विस नंबर एक, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक, बैंक डायरेक्ट कस्टमर ने जमा करा दिया बैंक से, ठीक है, अब बैंक का रिकॉर्ड तो सही है, अब हमने अपने रिकॉर्ड को सही करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट है इसलिए ये ऐड, देखो एट में लिखा ऐड डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर है यानी कि अकाउंट रिसीवर आपके पास रिसीव हो गया, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट कैश डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट समझो एंट्री होगी, तो ये हमने अपने अकाउंट में इसको प्लस कर लिया 70,000, ठीक है 70,000, राइट। फिर नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस, बैंक ने सर्विस चार्जेस भी दिया तो ये हमारा लेस हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस कर दिया इसको, और देखो कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। अब दसवें पे आए, देखो टेंथ क्या है, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया डिविडेंड, तो बैंक का अकाउंट तो सही है, अब हमने अकाउंट को अपने डेबिट करना है, इनकम इंटरेस्ट इनकम आ गई हमारे पास, ठीक है, तो इस 12,000 से प्लस कर दिया, यहाँ लिखा देखो ऐड, ठीक है ऐड प्लस लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। ग्यारहवां देखो, इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है, तो हमने अकाउंट में से माइनस करना पड़ेगा ना, इट इज इट रिवील्ड इन बैंक स्टेटमेंट एट मंथ एंड, इसलिए इंश्योरेंस चार्जेस लेस और यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है माइनस हो गया।
एरर, देखो क्या है, आठवां डेबिट मेमोरेंडम फॉर मेमो फॉर 8 15,000 अकम्पनीड विद द बैंक स्टेटमेंट फॉर लॉकर रेंट ऑफ अलकरम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, द बैंक हैड इरोनियसली चार्ज गुल अहमद है, बैंक ने गलती से ये जो डेबिट मेमोरेंडम है लॉकर का गलती से चार्ज कर दिया है गुल अहमद के, है बैंक की एरर है, यानी बैंक ने डेबिट कर दिया 15,000 रुपये से, ठीक है, तो अब इसको हमने वापस ऐड करना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ लिखा ऐड एरर बाय बैंक, और यहाँ पर है कंपनी का अकाउंट तो सही है, इसकी वजह से तो नहीं इफेक्ट कर रहा, ये देखो प्लस हो गया, अब हमने सबको जमा किया, देखो एडजस्टेड कैश बैलेंस, ये देखिए 73,550 73,550, तो देखो बैंक स्टेटमेंट तैयार हो गई, और आपको कोई सीरियल में गए हम, क्लियर यस सर, है, ये आसान तरीका है ना, वेरी इजी है, जी सर, केजी 1 का बच्चा भी कर लेगा इसे, सही है, इस तरह भी आप बना सकते हो, यहाँ भी है। देखिए इसको यहाँ निशान है लाइन डाल के, ठीक है, ये मैंने निशान अंडरलाइन कर दिए, ठीक है, 43,73,550 73,550 यहाँ लिख दिया एडजस्टेड के, देखो कंपनी का भी एडजस्ट हो गया बैलेंस और सेम आ गया, और कितना आसान तरीके से आपको बता दिया कैश बुक और बैंक बुक 73,73, ठीक है, और हम जो है इसकी जर्नल एंट्री अब क्या होगी, हमने जो कैश बुक में एडजस्टमेंट आ रहे हैं ना वो करेंगे, है कैश बुक के अंदर, राइट, कैश बुक में देखो पहले प्लस देखो क्या क्या हो रहा है, ये देखिए 2,100 70,000, देखिए अब जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है प्रिपेयर जर्नल एंट्री, जर्नल जर्नल फॉर्म टू एडजस्ट द अकाउंट, है अब जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं, ठीक है, राइट एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, 21 नहीं, देखिए जर्नल एंट्री क्या आएगी, देखो देखें प्लस क्या हो रहा है कैश बुक में, ऊपर से देखें, एक तो ये 2,100 क्या है इंटरेस्ट इनकम है, तो इसको इन तीनों को पहले जमा करो, है कैलकुलेटर पे लो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर
देखिए आप लोग जो है ना प्लस की अमाउंट को देखो, यहाँ पर 2100 है, 2100 प्लस 70,000 है और प्लस 12,000, कितना अमाउंट हो गया देखो। ये देखिए 2100 वो तो ओपनिंग बैलेंस है ना, वो तो बैलेंस था। ये देखो एक एडजस्टमेंट आया 2000 और 70,000 है, 84,000 है, कितना हुआ, क्या कह रहे हो, 84,100 84,100 जी। ये देखें ये हो गया आपका 84,100 है डेबिट कैश, यानी का कैश। और क्रेडिट क्या क्या देखिए, अब क्या है देखो, एक तो ये है पहला वाला, क्या है देखिए इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ लिखा देखो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ठीक है। और सेकंड क्या है देखिए, ये हो गया एक इंटरेस्ट इनकम, और फिर है देखिए डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, यानी कि क्या आएगा बाय द कस्टमर है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, क्रेडिट अकाउंट्स, समझ रहे हो ना है ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल ये अमाउंट है 70,000 ठीक है। इंटरेस्ट इनकम कितना था यहाँ लिखेंगे ना, और इंटरेस्ट इनकम है आपकी 2100, और नेक्स्ट क्या है डिविडेंड इनकम है, अब ये आएगा डिविडेंड इनकम, थर्ड वाली आ गई डिविडेंड इनकम, अमाउंट है 12,000, क्लियर हो गया। यस सर, ठीक है, और इसको आप नरेशन दो, क्या दोगे, शॉर्ट नरेशन भी बता दिया, देखो क्या लिखेंगे है, ये देखो बैंक ने क्रेडिट किया, ये है हमें यहाँ नरेशन दे दी, बस इतनी दे दो नरेशन का ठीक है। अब आ जाओ डेबिट वाले पे, एक तो ये एंट्री हो गई है इसकी, ये अब सेकंड देखो ये पेमेंट हो रही है, क्या क्या 4,013 ज़कात दूसरी, और उसके बाद ये है सर्विस चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस है, ये अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है ठीक है, बैंक ने डेबिट किया सही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को डेबिट करेंगे क्या क्या से, पहला देखो 4,000 है, ये आपका पहली एंट्री तो ये हो गई ठीक है, ए एंट्री तो आपकी हो गई जो ठीक है, ये समझो ये ए एंट्री थी ठीक है। अब बी एंट्री राइट, देखिए फिर ऊपर से गए डिसऑनर्ड चेक है, यानी कि ये हमारा वापस हो गया, इसके लिए क्या करेंगे डेबिट किसको करेंगे, डिसऑनर्ड चेक में किसको डेबिट होगा, ये कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया,
अकाउंट्स रिसीवेबल सर। बिल्कुल, अकाउंट्स रिसीवल भाई, और भी स्टूडेंट बोले ना, अकाउंट्स रिसीवल, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवल, एक तो ये हो गया डेबिट, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आए तो ये देखो जकात है, ये यहाँ आ जाएगा जकात, ठीक है, ये भी एक एक्सपेंस है ना, जकात, जकात। और फिर आ गए, देखो ये जकात भी ले लिया, और ये देखो अमाउंट यहाँ लिखते जाओ कितना है, 4,000 डेबिट, और ये एक्सपेंस है डेबिट किया, जकात जो है वो है आपका 1,350। फिर उसके बाद गए आगे, ये देखो बैंक सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्ज, सर्वि बैंक सर्विस चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है, बैंक सर्विस चार्जेस जो एक्सपेंस है उसका नाम लिख दिया सर्विस चार्जेस, ठीक है। फिर इसको भी आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ये अमाउंट है 2,000 है, 2,000। उसके बाद है क्या, देखिए इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस ये कितना है, दिस इज 65,000, ठीक है, 65,000, राइट। और फिर कैश और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट किससे करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट्स कैसे करेंगे सर? मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करो कैश से ही सर। ना। तो ये हो गया आपका 65,000 है, कितना अमाउंट है ये, इनको सम किया, ठीक है, ये बनता है 72,350, तो 72,350 है, और यहाँ लिखा 72,350, इनका सम, सबका सम, ठीक है, ये चारों का, और यहाँ लिखा कैश, कैश क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लिखा था बैंक क्रेडिट बाय द अबव, और ये बैंक ये जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप इतना लिख दो बैंक डेबिटेड, ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई, ठीक है। और यहाँ जी पर सर। हम दे देंगे एडजस्टेड थर्ड पार्ट जो है इसका, एडजस्टेड कैश बैलेंस, क्या बैलेंस शो होगा यहाँ पर बताओ, क्या बैलेंस शो करेंगे, कौन सा बैलेंस शो होगा बैलेंस शीट में, है क्या एडजस्टेड जो कैश बैलेंस है सर हमारा, अमाउंट है, क्या आ रहा है एडजस्टेड बैलेंस, बोलो सर ये 73,550। हाँ, 73,500 ये शो करेंगे, ये देखो एडजस्टेड कैश बैलेंस दैट इज 73,550 शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट ऑन दिसंबर 30। आपने देख लिया कि ये आसान तरीका भी मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल इस तरह भी एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यू कैन प्रिपेयर इन एग्जामिनेशन इन सच ए वे
इजी जो मेथड है आपको बता दिया, ठीक है। उसी सीरियल में गए और फिर एंट्री करते हुए देख लिया, पहले जो प्लस हो रहे हैं कैश बुक में उनको ले लिया, और फिर जो माइनस हो रहा है उनको लिया, तो एंट्री मारी हो। थर्ड ज्यादा ज्यादा वो कौन सा बैलेंस शो होगा, वो एडजस्टेड बैलेंस शो होगा, जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम आ गए, पिक्चर एक भेजी है मैंने आपको, है एक पिक्चर भी भेजी है क्वेश्चन की, वो निकालो, जिसको मैंने पेंसिल से लिखा है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये भी क्या टाइम हुआ है देखो, सर एक सेकेंड, व्हाट इज द टाइम, 5:25 ना, सही है। 5:35, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी और सॉल्व करना है, 5:35 पे रीज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्लास से आउट होने की जरूरत नहीं है। 5:35 पे वी विल स्टार्ट ओनली फॉर नमाज प्रेयर असर, और आप 5:35 पे रीज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और वो जो मैंने क्वेश्चन सेंड किया, वी विल सॉल्व दैट, वो जो फोटो पिक्चर भेजी है ना क्वेश्चन की बुक से, वो भी अभी सॉल्व करेंगे, ताकि बैंक स्टेटमेंट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो भी इस मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड से, 10 मिनट्स ब्रेक, ओके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि टाइम हो गया, वी आर स्टार्टिंग द क्लास, ठीक है। हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन जो मैंने आपको सेंड किया है, पिक्चर भेजी है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, वो निकालिए अपने व्हाट्सएप से, नहीं ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं है क्वेश्चन, ये पिक्चर लिया मैंने बुक से। बैलेंस देखो क्वेश्चन में, इसको भी वैसे ही सवाल करेंगे, देखो बाहर यानी कहीं शेयर हो रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन शेयर हो रहा है, देखिए बाहर केमिकल्स बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31, 2003, नहीं ये 2003 का है। बैलेंस एज पर कैश बुक 7,000 है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक देखिए क्या लिखा, 7,000, राइट, और बैलेंस एज पर बैंक इज 5,111, 5,155, ठीक है, ये ले लिया। अब आगे चले थर्ड में, देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आफ्टर, बट प्रेजेंटेड आफ्टर 31st, देखो लैंग्वेज को समझो, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड आफ्टर 31st, यानी कि मार्च में प्रेजेंट किया आपको, राइट, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, अनप्रेजेंटेड का मतलब हो गया कि ये आउटस्टैंडिंग चेक हो गया ना, समझे, सही है ना, तो ये कहां से मैं लेस होगा बताओ, यहां लिखा 3 है लेस, देखो आउटस्टैंडिंग चेक हो गया, देखो लिखा हुआ कि लैंग्वेज देखो, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड आफ्टर 31st, हम तो 31 मार्च को देख रहे हैं ना, ये तो आफ्टर 31st हो रहा है, तो ये चेक इशूड इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग चेक हो गया, नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, देखो चेक इशूड बट नॉट बट प्रेजेंटेड आफ्टर 31st, या ये लिख देता नॉट प्रेजेंटेड आफ्टर 31st के मतलब भी यही हो गया ना, नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग चेक है,
आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग चेक, ठीक है, यानी कि नॉट प्रेजेंटेड, ये भी लिख लो, इसको भी यहाँ भी ये भी लिख लो, नॉट प्रेजेंटेड, तो और इसको हमने फॉरन लिखा लेस करके, और यहाँ से देखो इसको हमने बैंक में से माइनस कर दिया, ठीक है, रिकंसाइल कर रहे हैं, बैंक में से माइनस कर दिया, और ये है कितना माइनस, कितना अमाउंट है 1000, ठीक है, माइनस माइनस ये आपने ले लिया माइनस 1000, ठीक है, अभी रिकंसाइल देखो होगा इंशाल्लाह, ठीक है, फोर्थ पे गए, जल्दी जल्दी आओ ताकि कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन, 6 बजे तक हो जाए, फोर्थ पे आए, देखिए, ठीक है, सुन रहे हो, फोर्थ पे देखिए, गौर से सुनो, क्या है फोर्थ वाला, क्या है देखो, थ्री चेक्स वर इशूड फॉर 5000, 1000 and 1500 रिस्पेक्टिवली, बट द चेक फॉर 1000 वर प्रेजेंटेड ऑन मार्च ऑन अप्रैल 3, बताओ क्या करेंगे इसको, लैंग्वेज को देखो, थ्री चेक्स वर इशूड फॉर रुपीज 1500, 1000 and 1500 रिस्पेक्टिवली, बट द चेक फॉर 1000 वॉज प्रेजेंटेड ऑन अप्रैल 3, क्या करेंगे भाई इसका, क्या किया, ये भी आपका जो है वही बात हो गई ना, आउटस्टैंडिंग चेक होगा ना, तीन चेक इशू किए हैं, उसमें से एक चेक जो था 1000 वाला, वो 3 अप्रैल के बाद वो वास प्रेजेंटेड ऑन अप्रैल, इसका मतलब बाकी दो चेक प्रेजेंट हो गए, तो थ्री चेक्स वर इशूड फॉर 500, 1000 रिस्पेक्टिवली, बट द चेक फॉर 1000 वास प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सिमिलर केस हो गया ना, लेकिन एक चेक ले लिया हम इसमें से, आउटस्टैंडिंग चेक कौन सा है, ये भी माइनस हो गया 1000, तुम समझ लो बात, समझे, बाकी तो दो तो प्रेजेंट हो गए ना, इसको आप तो ऑथर भी उसको टेक्निकली है दिखा रहा है ना आपको, ताकि आप कॉन्सेप्ट आप लो, अब आपको आप बड़े हो गए हो, हाँ आप इतना चीजें समझा दी हैं, आप KG 1 के बच्चे तो नहीं रहे ना, ठीक है, समझ गए ना, तीन चेक उसने दिए, देखो चेक, थ्री चेक्स इशूड दिस 500, 100 and 1000, बट द चेक फॉर 1000 वाज प्रेजेंटेड ऑन अप्रैल, दिस मींस वो बाकी हो गए, ये भी आउटस्टैंडिंग आ गया एक सिर्फ 1000, ये भी माइनस हो गया, आगे गए फिफ्थ में, फिफ्थ लोगों ने लिखा चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देखो चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या करेंगे इसको, चेक तो कंपनी इशू करती है ना, चेक उसने इशू किया लेकिन अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, यानी कि कंपनी ने चेक तो इशू कर दिया, इसका मतलब इशू कर दिया, इसका मतलब वो गया बैंक में तो क्लियर हो गया, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब वही कैश बुक में कंपनी ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब चेक इशूड माइनस नहीं किया दूसरे लफ्जों में, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या अमाउंट है 250 का, देखो 250 का चेक किसी को दिया और दे दिया और रिकॉर्ड नहीं किया, 250 नहीं है 750 है, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 750, तो ये देखो इसको भी हम ऐसे करेंगे ना, समझ गए ना, लेस लेकिन कह रहा है कि चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आप यही वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट नॉट रिकॉर्डेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कंपनी ने नहीं रिकॉर्ड किया, पोस्ट नहीं किया, इसका मतलब रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
कंपनी ने अपनी बुक में पोस्ट नहीं किया, चेक बना के दे दिया, आगे चला गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 750 से ये हमने कंपनी में से माइनस कर दिया। बात समझ गए, सबको क्लियर हो गई बात? ठीक है, और नंबर 6 पे आओ जल्दी से। 6 क्या कह रहा है? देखिए 6, चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड बाय द बैंक आफ्टर 31st। अब देखो, चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड बाय द बैंक आफ्टर 31st 250। क्या करेंगे इसका भाई? चेक डिपॉजिट किया लेकिन उसने क्रेडिट किया बैंक ने 31 मार्च के बाद, डिपॉजिट इन ट्रांजिट हो गया ना ये, डिपॉजिट में ऐड करेंगे है ना, ऐड ऐड किया बैंक में। ठीक है, आपने उसने बिल्कुल साफ कह रहा है कि देखो चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन, आ गया चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, नहीं ये नेक्स्ट है, अच्छा छठा, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट क्रेडिट बाय द बैंक आफ्टर 31st 250 का 250। तो ये आपका जो है, आपका जो है ऐड होगा, ऐड होगा ना ये, क्यों कहाँ पर ऐड होगा? डिपॉजिट आपको जो पढ़ाया था मैंने, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट हो गया ना ये, बैंक में इसको ऐड किया तो 250 तो यहाँ पर आ गए, बैंक में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सेवन, देखो सेवन पे आ जाओ। 3 चेक्स वर डिपॉजिटेड इन फॉर 1000, 1200, 1600, बट द चेक वाज फॉर 1000 वाज क्रेडिटेड ऑन अप्रैल। फिर ये वैसे ही केस है, 3 चेक डिपॉजिट किए और 1600 का जो चेक है वाज क्रेडिटेड बाय 1000 वाला जो है, बट 3 चेक 1600 क्रेडिट ऑन 1600 जो है, ये आपका फिर है, ये भी आपका जो है बिल्कुल वही केस है, सेम केस है ये भी है ना, सेम केस है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट 1600 ये फिर बैंक में आ गया, समझ गया ना, सेम केस है, लेकिन एक के 3 चेक दिए और इसमें से एक चेक उसने सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद आगे आ जाओ, नंबर 8 पे, नंबर 7th ले लिया, अब 8 क्या है? 8, नंबर 8 देखो, नंबर 8 क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फिर वही अगली बात, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यहां पर ये आ रहा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना अमाउंट है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नंबर 8 ऐड होगा ना ये, कैश बुक में ऐड होगा ना ये, क्यों? चेक चेक देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपके पास आ गया 1000। ठीक है, कैश बुक में ये प्लस हो गया। ठीक है, अब 9th पे आ जाओ, देखो 9th क्या कह रहा है जल्दी से, कम टू द 9th। देखिए 9th, 1 क्रेडिट
डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवर कास्ट बाई 500, क्या लिखा हुआ है? डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवर कास्ट, टोटल जब किया ना उसका कैश बुक में तो वो 500 से ओवर कास्ट किया हुआ है, कैश बुक को टोटलिंग में मिस्टेक है लेकिन ओवर कास्टेड है, ओवर कास्टेड है, ज्यादा कर दिया तो ये माइनस होगा ना, है ना, नाइन्थ जो है तो ओवर, देखो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक है तो ओवर कास्टेड, तो ये इसलिए इसको लेस करेंगे, लेस डेबिट साइड, देखो डेबिट साइड ये लिख दो यही चीज, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवर कास्ट, ठीक है, इसलिए इसको माइनस है, ज्यादा कर दिया तो माइनस कर दिया, ठीक है, इसमें से राइट 9 भी हो गया, अब आ जाओ 10 पे, 10 10 क्या, जल्दी जल्दी बोलो, देखो क्रेडिट साइड, अब क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर स्टेटेड बाई, क्रेडिट साइड अंडर स्टेट हुआ हुआ है, क्रेडिट साइड इज अंडर स्टेटेड, 10th में देखे क्रेडिट साइड इज, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर स्टेटेड, ये बताओ लेस करेंगे ऐड करेंगे कैश बुक में? ऐड करेंगे सर, ऐड करेंगे, क्यों क्यों जरा फिर देखो, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवर साइड ओवर कास्टिंग, डेबिट साइड वॉज ओवर कास्टिंग, 100 रुपया होना था और उसको 800 से ज्यादा कास्ट कर दिया, 1800 कर दिया, ओवर कास्ट, तो आप कम करोगे ना यार, ऐड क्यों करोगे? डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवर कास्टेड बाई कितने अमाउंट से, सॉरी सॉरी 10वां क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज, वो तो हमने ले लिया, नंबर 10 है, नंबर 10, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड, अंडर कास्टेड, क्रेडिट साइड इज अंडर कास्टेड, ठीक है, इसलिए लेस और करोगे ना फिर, ठीक है ना, यहां पर भी आएगा माइनस माइनस 800, ठीक है, ये भी आएगा, देखिए क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड लिखा क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड, तो अब इसलिए वॉज अंडर कास्टेड था इसलिए इसको बढ़ाया माइनस किया, ठीक है माइनस कर दिया इसको, फिर 11वें पे आओ, देखो 11th क्या है, 11 बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट फॉर 150 एंड डेबिटेड फॉर इंटरेस्ट 50 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देखो 11वां देखो, अब इसमें भी है, देखिए 11th में देखिए बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड फॉर 150, बैंक इंटरेस्ट है, इसको जल्दी कंप्लीट करना है, देखिए बैंक 11th में देखें दो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय 150, अभी कंपनी ने नहीं किया है 11th में, तो बैंक इंटरेस्ट ये ऐड हुआ यहाँ पर, ऐड ऐड बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, कितना अमाउंट है 150 ले लिया, और फिर आपका 50 से
बैंक इंटरेस्ट चार्जेस है भी वही उसी के अंदर, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट एंड डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस 50। तो दूसरा वही 11th में फिर ये माइनस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये माइनस कर देंगे तो 150, तो ये माइनस 50 है, ठीक है, ये भी हो गया आपका। फिर आगे चलो 12वां में देखो, डिविडेंड इनकम 12वें 12 पे आ जाओ। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी कैश बुक, तो ये डिविडेंड इनकम ये ऐड हो गया, ठीक है, डिविडेंड इनकम ऐड डिविडेंड इनकम, ठीक है, समझ गए, डिविडेंड इनकम, ठीक है, ये आपकी कंपनी में ऐड होगा, ठीक है, कितना अमाउंट है देखें, डिविडेंड इनकम ये है 1000, ठीक है, 1000 ये ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 13 पे जल्दी से, 13 क्या है देखे, डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट, 13वां क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट, ये भी कंपनी में ऐड होगा, डायरेक्ट डिपॉजिट, डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, बाय द कस्टमर, इसको भी ले लो, कितना हो गया ये जल्दी से, ऐड, ऐड कहाँ पर ऐड हो रहा है, कंपनी के अंदर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, कितना अमाउंट है, 1000, ये है आपका डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट 500 है, 500 है ना, तो ये 500 यहाँ पर आ गया, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट। आगे चले जल्दी से, 14 पे आ जाओ, राइट, देखिए 14 क्या है, 1000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक अपियर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, पासबुक का मतलब वही होता है बैंक, 1000 इन द डिसऑनर्ड चेक, राइट, यानी एनएसएफ चेक, 1000 से एनएसएफ चेक है, चौदवा जो है ना, एनएसएफ चेक है, कितना अमाउंट है, 1000, ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ से, एनएसएफ चेक है, राइट, तो ये आपने यहाँ से माइनस किया एनएसएफ चेक को और यहाँ लिखा है लेस, ठीक है, डिसऑनर्ड चेक यानी कि एनएसएफ चेक, डिसऑनर्ड चेक, एनएसएफ चेक, ठीक है, माइनस हो गया इसमें से, ठीक है, 1000। आगे चले फिर क्या, देखो नोट्स पेबल, ये देखिए 15वां, बैंक मेट ए बिल पेबल ऑफ द फर्म फॉर 1000 ऑन 31st अंडर एडवाइस टू द फर्म ऑन 30, ठीक है, बैंक मेट ए बिल पेमेंट ऑफ 1200 ऑन मार्च 31st, बैंक मेट ए, देखिए नोट्स पेबल, देखो नोट्स पेबल कितना अमाउंट है, देखो इसको गौर से सुनो, 1500 का बैंक मेट ए नोट्स पेबल ऑफ द फर्म फॉर इतना एंड अंडर एडवाइस टू द फर्म ऑन 2nd अप्रैल, ठीक है, बैंक मेट ए नोट्स ए बिल्स पेबल, बैंक ने पे कर दिया 30th मार्च को, 30th मार्च को बैंक ने पे कर दिया बिल्स पेबल, बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी
तो अब कंपनी के रिकॉर्ड से इसको माइनस करेंगे ना, नोट्स पेबल है ना, ये नोट्स पेबल, नोट्स है, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल। देखो क्या कह रहा है, कंपनी ने बिल्स पेबल जो है, देखिए फिर देखो, मेट ए बिल्स पेबल ऑफ द फर्म ऑन 31st अंडर द एडवाइस ऑफ द टू द फर्म ऑन 2nd अप्रैल। उसने एडवाइस किया था तो उसपे बैंक ने जो है वो 30 मार्च को ये कर दिया। ठीक है, तो ये आपने आपके बिहाफ पे है, आपके बिहाफ पे इसने पे कर दिया 1000 रुपीज है ये। ठीक है, हाँ कितना अमाउंट है, 1500 1000 माइनस 1500। ठीक है, 1500, बस 2 मिनट सर। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ लास्ट है, ये मुकम्मल हो जाए सवाल। देखिए 16 में क्या है, देखो 16, बैंक चार्जेस फॉर चेक बुक है, चेक बुक का चार्ज कर लिया बैंक ने 5 रुपए, बैंक ने चेक बुक चार्ज किया। ठीक है, देखिए बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, अच्छा ट्वाइस ये कह रहा है, बैंक चार्जेस पोस्टल फॉर चेक बुक बाय फहद कंपनी एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, कैश बुक में ट्वाइस ऐड हो गया, 2 दफा ऐड हो गया ये। ठीक है, इसलिए ये ऐड होगा ना, ये 2 दफा माइनस कर दिया उसने। तो देखिए इस चीज को समझो, इसको ऐड करेंगे, देखिए देखिए इसमें फिर से मैं बताऊं, बैंक चार्जेस फॉर ए चेक बैंक बुक बाई फहद फॉर इतना वर एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, 2 दफा क्या माइनस कर दिया, इसलिए इसको ऐड कर दिया 5 रुपए। ठीक है, 2 दफा, और इसको कहेंगे क्या कहेंगे इसको, बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ट्वाइसली, बैंक चार्जेस, इसलिए इसको हमने बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय कंपनी ट्वाइसली। ठीक है, लास्ट लास्ट वाला देख लो, फिर ये एंड हो गया सवाल, इसका टोटल करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट के लास्ट क्या है, दूसरे पेज पे आ रहा है, चेक फॉर 50 ड्रॉन बाय अहमद केमिकल हैज बीन चार्ज टू फहद केमिकल इन एरर इन मार्च। ठीक है, चेक फॉर इतना बाय अहद केमिकल। ठीक है, अहद केमिकल का चेक जो था वो बैंक ने चार्ज कर दिया। ठीक है, इस कंपनी को ये इसमें वहां पर ऐड किया जाएगा, कहां पर बैंक में, एरर बाय बैंक, एरर बाय बैंक, इतना अमाउंट से माइनस कर दिया उसने 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपीज बस। अब इसको टोटल कर लो जल्दी से, ठीक है जल्दी से टोटल करें। देखिए अब मैट मीच में इसको मीट करना चाहिए यहाँ से लेके, देखो यहाँ पर हम टोटल करेंगे बस, फिर तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल इंशाल्लाह एरर इन, ये देखिए देखिए इसको टोटल करें, F8 से लेके और F17 से, देखिए टोटल कर लो, E8 से लेके E26 समाप्त कर ले इसको, क्या आ रहा है, और
ठीक है, और इसको भी समाप्त कर लो, तो रेस्ट पीरियड को एंड करते हैं, इसको भी समाप्त कर लो, कितना आ रहा है देखो 39। से डी 24 तक ठीक है, देखो भाई अब हुआ ठीक है, डिफरेंस 7750, 1500, 800, 150, 50 माइनस और 1000 फिर 500 है ये सही है, फिर 1000 भी सही है, 1500 फिर 5 और ये है 5055, ये तो सही है, इसमें कुछ गलती लग रही, 5151 1000 माइनस 1000 माइनस 250, 1250 और 1650 ठीक है, ये हो गया है, फार्मूला गलत लगा हुआ था, देखो 20505050 ठीक है, एडजस्टेड क्या है मिल गया ना, देखो समझ गए, इसमें देखो एक चीज समझाना है कि इस सवाल के अंदर ऑथर ने एडजस्टिंग एंट्री का नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा इस वजह से, क्योंकि इसमें ओवर कास्टेड अंडर कास्टेड ये सब चीजें आ रही थी ना, इसलिए इसको ये नहीं सिर्फ आपसे बैंक रिकंसिलेशन पूछा, समझ गए ठीक है, ये सवाल भी समझ गए सब लोग। अब मैं लास्ट सेंटेंस ये कह रहा हूँ कि हमारा बैंक रिकंसिलेशन कंप्लीट हो गया ठीक है, ये सारे सवाल भी मैं सेंड कर दूंगा कल की क्लास के बाद, और मुझे रिमाइंड भी कर देना, प्लस कल की क्लास में हम एरर इन अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर इन अकाउंटिंग ठीक है, ओके फिर।